वाना लैंडस्लाइड के चौथे दिन एक अच्छी खबर सामने आई। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया। इसमें एक बच्चा 4 साल का था। भूस्खलन प्रभावित केरल के वायनाड में बच्चे और उनकी माता को बचाने का वन विभाग का जो ऑपरेशन था उसकी जमकर तारीफ हो रही है। एक साहसिक अभियान में ये वन अधिकारी पहाड़ी पर जंगली इलाके में फंसे बच्चों को निकालने के लिए ट्रैक करके पहुंचे, उन्हें कमर में बांधा और फिर रस्सी के सहारे कठिन रास्तों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। वन अफसरों की भारी बारिश और चट्टानी इलाके के बीच जंगल के अंदर एक खतरनाक ट्रैक करते हुए तस्वीरें भी सामने आईं। वन अधिकारियों के इस काम की प्रशंसा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी की। उन्होंने कहा, उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि केरल का लचीलापन सबसे काले समय में सबसे अधिक चमकता है। आशा है हम एकजुट होकर पुनः निर्माण करेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे। जिस परिवार के बच्चे को फॉरेस्ट अफसरों ने बचाया वो वायनाड के पनिया समुदाय का है। एक गहरी खाई को देखते हुए ये बच्चा पहाड़ की चट्टानों पर एक गुफा में फंसा हुआ था। टीम को इस बच्चे तक ट्रैक करके पहुंचने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगा। वन रेंज अधिकारी ने बताया, गुरुवार को माँ और उसके 4 साल के बच्चे को वन क्षेत्र के पास में भटकते हुए पाया। पूछताछ के बाद टीम को 3 बाकी बच्चे और उनके पिता के बारे में पता चला, जो बिना खाए एक गुफा में फंसे हुए थे। परिवार आदिवासी समुदाय के एक विशेष वर्ग से संबंध रखता था, जो आमतौर पर बाहरी लोगों से बातचीत करने से बचते थे। पनिया समुदाय के आदिवासी आमतौर पर वन उत्पादों पर ही जीवित रहते थे और चावल खरीदने के लिए उन्हें स्थानीय बाजार में बेचते थे। वो सामान्य लोगों से मिलते जुलते या बातचीत नहीं करते हैं। उनकी भाषा भी अलग होती है। वो लोगों की भाषा हम समझ नहीं सकते हैं, न बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि भूस्खलन और भारी बारिश के कारण वो खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। पहाड़ी गुफा तक पहुंचने के लिए ट्रैक करना था। लगातार बारिश के चलते चट्टानों पर बहुत फिसलन थी, जिसके कारण चढ़ना काफी कठिन था। किसी तरह हम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चढ़ाई करके बच्चे तक पहुंचे। इसमें बहुत खतरा था, अगर हम लोगों का पांव फिसलता तो हम सीधे खाई में गिर जाते। जब टीम गुफा में पहुंची तो बच्चा बुरी तरह से सहमा हुआ था। खाना न मिलने के कारण वो पस्त पड़ गया था। हमारे पास जो कुछ भी खाना था हमने बच्चे को खिलाया। बहुत समझाने बुझाने के बाद उनके पिता हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए। हमने बच्चे को अपने शरीर में बांधा और फिर वापसी की यात्रा शुरू की। बता दी, फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।